नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। आम आदमी के साथ साथ अब न्याय देने वाले भी अपराधियों से भयभीत नजर आ रहे हैं। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज अजय कुमार शर्मा भी अपराधियों से डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। दरअसल अजय कुमार शर्मा ने DGP भूपेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा जारी रखने को कहा है। इस पत्र में रिटायर्ड जज ने लिखा है कि मुझसे और मेरे परिवार से आतंकी संगठन कभी भी बदला ले सकते हैं। मुझे सूचना मिली है कि मेरी सुरक्षा हटाई जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुरक्षा जारी रखी जाए। उन्होंने यह भी लिखा है कि कुछ दिनों से मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध लोग मेरे घर के बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे घर पर शराब की खाली बोतलें फेंकी गई हैं। क्या यह मेरा कसूर है कि मैंने जयपुर बम ब्लास्ट में 4 खूंखार आतंकवादियों को फांसी की सजा दी? जज अजय कुमार शर्मा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जस्टिस नीलकंठ गंजू ने 1984 में आतंकी मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें 2 अक्टूबर 1989 को आतंकवादियों ने सरेआम मार दिया था। ये आतंकवादी बेहद खतरनाक हैं। ये मेरे और मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मेरी सुरक्षा और मेरे परिवार की सुरक्षा जारी रखी जाए। इस खास खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।